कॉटन नवंबर वायदा में सकारात्मक कारोबार जारी है और वर्तमान में अधिक मांग और कम आवक होने के कारण कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आई हैं, लेकिन उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली के कारण कीमतों में थोड़ी गिरावट भी दर्ज की गई है। CCI यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पिछले सप्ताह में कपास की बिक्री के लिए अपनी दरों में 1500 रुपये प्रति कैंडी की वृद्धि की, जबकि इससे पहले दो सप्ताह में 4500 रुपये प्रति कैंडी की वृद्धि की थी। इसके अलावा बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण कपास की फसल क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे गुणवत्ता और नई फसल की आवक प्रभावित हुई है। इसके अलावा मिल मालिकों के पास सीमित स्टॉक बचा है। वहीं भारतीय कपास संघ CAI ने फसल वर्ष अक्टूबर सितंबर 2021-22 में कपास उत्पादन 360.13 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है। CAI ने कहा है कि उपज बेहतर रहने से कपास उत्पादन अच्छा रहेगा। CAI ने बयान में कहा है कि पिछले सत्र में कुल कपास उत्पादन 353 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जो मौजूदा सत्र की तुलना में 7.13 लाख गांठ कम है। जानकारों के अनुसार नई कपास मंडियों में दिसंबर तक आनी शुरू हो जाएगी और अगर आवक के ज्यादा रहती हैं तो इसका असर कपास की कीमतों पर दिख सकता है और वायदे में भी कुछ गिरावट रह सकती है, लेकिन अगर आवक के ज्यादा नहीं आती हैं तो कपास में तेजी बन सकती है। जानकारों के अनुसार MCX कॉटन ऊपर में 34,000 तक जा सकती है, लेकिन इसी बीच इसमें ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी देखने को मिलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।